Hello friends and my dear students, welcome to my YouTube channel, a channel where you get complete solution of English language and literature for CBSE classes 9, 10, 11 and 12 and BSCV, that is intermediate classes 11th and 12th. Besides, we explain the chapters of Gulmohar Reader part 7 and 8 in Hindi. So friends, इस रेड बटन के द्वारा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में यदि आप चाहते हैं हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर को जिसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपको CBSE क्लास 9 के लिए प्रेस्क्राइब्ड इंग्लिश लिटरेचर बुक बीहाइव में दिया गया है। यह उसका 9th चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले के ऑल द 8 चैप्टर्स और पोएम्स को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। यदि उन सब वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे आप जा कर के देख सकते हैं और साथ में मैं उन चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे ज़रूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये केनेथ एंडरसन के द्वारा लिखा गया चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव, इसका हम लोग पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? क्या एक आदमी मतलब मनुष्यों में और जानवर में क्या प्रेम और दोस्ती हो सकती है? आइए पढ़ते हैं। लेट अस रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन अकाउंट, मीन्स यहाँ वो खाता वाला अकाउंट नहीं, विवरण, एन ऑर्फंड स्लथ बियर, है ना। और फंड मतलब जो अनाथ हो गया था, स्लथ बियर, स्लथ का वैसे यू मीनिंग तो आलसी होता है, लेकिन कहिए ये काइंड ऑफ बियर है जो आगे पैरा में दिया हुआ है कि इंडियन सब कंटिनेंट में पाए जाते हैं। दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर, जो कि ऑथर के द्वारा बचाया गया था ऑर्फंड होने के बाद। स्लथ बियर्स इनहैबिट, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉरेस्टेड एरियाज, है ना, वो जो है फॉरेस्टेड एरियाज में रहते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर इलेवेशन। तो इंडिया के फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट में, कहा रेन फॉरेस्ट आपके जियोग्राफी वाले टीचर लोग बेटर बताएंगे, और ग्रासलैंड्स में जो है जो लेयर लोअर इलेवेशन पे, कम ऊंचाई वाले पे, इलेवेशन माने ऊंचाई वाले ग्रासलैंड में भी रहते हैं। स्लथ बियर्स हैव वेरी शैगी, है ना, शैगी मीन्स रोएदार, झबड़ा, है ना, हेयर एंड लॉन्ग मजल्स, है ना, लॉन्ग मजल्स, मजल्स मीन्स यहाँ पर थुथुन, है ना, इसका जो अगला पार्ट जो आप जैसा कि इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, है ना, उसका अगला पॉइंट जो माउथ जहाँ पे है। यूजिंग दियर क्लॉज टू डिग, दे कैन यूज दियर लिप्स टू फॉर्मेटिव, वो क्या करते हैं, अपने क्लॉज से कोई डिग कर देते हैं, खुदाई कर लेते हैं, और फिर वो अपने ट्यूब का काम करते हैं, अपने इस लंबे मुँह का, है ना, उसमें से कुछ खींचना, और खास करके हनी वगैरह। विच कैन गो डीप इन टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में नीचे तक जा सकता है, और इन टू हार्ड टू रीच एरियाज, यहाँ तक कि कोई कठिन पहुँचने वाला जगह हो, जैसे लाइक डेड ट्रीज, है ना, सूखा हुआ पेड़ वगैरह में, है ना, फॉर दियर फूड, अपने भोजन के लिए। देयर मेन फूड इज टर्माइट्स, अपने यहाँ टर्माइट्स, वो जो लकड़ियों को ख़राब करता है, दीमक, हाँ, और ऐसे आप कहेंगे तो इनका फेवरेट फूड जो होता है वो हनी होता है, है ना, लेकिन ये हो सकता है स्लथ काइंड है इसलिए टर्माइट्स होगा। यू कैन हियर देम सक दियर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, कि कई फीट दूर से ही वो अपना भोजन को खींच लेते हैं अपनी और शक कर लेते हैं। आइए अब पढ़ते हैं पैरा वन से। आई विल बिगिन विथ ब्रूनो, नेम है ये ब्रूनो, माय वाइफ्स पेट स्लथ बियर, है ना, ये जो है मैं शुरू करूँगा, लेखक कहते हैं कि अपने वाइफ के पेट बियर के बारे में। पेट माने आप पसंदीदा कह लीजिए, पालतू कह लीजिए, केवल पालतू ही ठीक नहीं है, पसंदीदा भी इसका मीनिंग होता है। एक ऐसा जानवर जो फायदे के लिए नहीं, शौक के लिए पाले जाए, उसको पेट एनिमल कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, एक्चुअली वो मुझे एक्सीडेंटली मिला था, अचानक से मिला था। 2 years ago we were passing through the sugar cane fields, है ना, 2 साल पहले हम लोग वो एक sugar cane के फील्ड से, यानी गन्ने के खेत से गुजर रहे थे, नियर माइसोर, यानी कर्नाटका की कहानी है, वही माइसोर है। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स, वो जंगली सुअरों को लोग जो है वो भगा रहे थे। जंगली सुअर एक्चुअली बहुत फसलों को नुकसान कर देते हैं, उसको लोग भगाते हैं, इवन की मार भी देते हैं। तो फ्रॉम दियर फील्ड्स वो भगा रहे थे बाई शूटिंग एट देम, है ना, शूट, गोली चला करके। सम वर शॉट, कुछ तो मारे गए वो जंगली शुअर, एंड सम एस्केप्ड, कुछ भाग गए। वी थॉट दैट एवरी थिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली ए ब्लैक स्लथ बियर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन, है ना, तो हमें लगा कि वो मतलब सब ओवर हो गया, सब पिग वगैरह मारे, या तो मारे गए या भाग गए।
कभी देखा एक हाँफता हुआ, देखिए पैंटिंग, पैंट मीन्स हाँफना भी, पैंट मीन्स केवल पहनने वाला पैंट नहीं, तो हाँफता हुआ आया हॉट सन। फिर देखिए यहाँ डुअल मीनिंग, सन माने भी केवल सूरज नहीं बल्कि धूप, यहाँ यानी गर्म धूप में जो है वो हाँफता हुआ उसके अंदर से निकला। नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लथ बियर, है ना, वन टोनली का मीनिंग दिया हुआ है, फॉर नो गुड रीज़न, है ना, बिना किसी गुड रीज़न के। आपके इस बुक में है, एनसीईआरटी के बुक में वर्ड मीनिंग्स है, हालांकि मैं इनको बाद में लास्ट में दे दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, तो स्क्रीन पे नहीं भी किसी का आए तो कोई बात नहीं, आप उसको बुक में देख लेना, है ना, कि मैं इसको क्यों बोला, बिना कारण का मैं क्यों मारूंगा इसको गोली, है ना, इसको शूट क्यों करूंगा, वो तो हमें वाइल्ड पिग्स को मारना है। फिर है कि बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, है ना, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बेचारे जानवर का, वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट, है ना, कि जैसा मैंने फील किया वैसा उसने फील नहीं किया इसके बारे में, एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और उसी जगह पे जो है सो उसको जो तुरंत गोली मार दी। एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्टेटेट बॉडी। जब हमने उस गिरे हुए जानवर को देखा, मतलब जो गोली लगने के बाद, तो हम ये देख के सरप्राइज रह गए कि उसका काला सा जो फर है ना रोआ, वो उससे अलग हो रहा है ना, प्रोस्टेट बॉडी से। प्रोस्टेट बॉडी मीन्स लाइंग ऑन द, इसका मीनिंग दिया लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, है ना, नीचे की ओर झुका, उसका फर अलग हो रहा है। भैया मरे हुए जानवर के शरीर से फर कैसे अलग होगा, तो आप देखिए, देन वी सॉ इट वॉज, फिर हमने देखा कि ये था क्या, बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो कि एक्चुअली उसके, जैसे आपने इसको कम देखा होगा तो मंकी को देखा होगा, मंकी जब भी चलता है तो अपने बच्चों को ना ऐसे टांग के चलता है, वैसे ही इसके पीठ पे, मंकी इसको आगे साइड से अपना रखती है और ये जो है ऐसा रखता है ये पीछे साइड से। तो वेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, जब अचानक गोली से जब वो मर गई थी यानी इसकी माँ, द लिटिल क्रीचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्टेट पेरेंट, है ना, वही लाइंग पेरेंट कहिए, और मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज, और रो रहा था, एक तरह से नॉइज सा हो रहा था। नेक्स्ट पैरा है, आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, मैं इसके चारों ओर दौड़ा कि हाँ इसको पकड़ लूँ। इट स्कूटेड, लेकिन ये स्कूटेड मीन्स रैन अवे इन टू द सुगर कैन फील्ड, है ना, फिर से ये गन्ने के खेत में चला गया, ईंख के खेत में चला गया। फॉलोइंग इट मीन्स निम्नलिखित नहीं समझेंगे, इसको फॉलो करते हुए यानी इसके पीछा करते हुए, विथ माई कंपेनियंस, अपने कंपेनियंस के साथ, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, है ना, लास्ट में मतलब अंत में हम इसको पकड़ पाए बाय द स्क्रप, है ना, स्क्रप इसका गर्दन के द्वारा, है ना, किसी को किसी बॉडी पार्ट के द्वारा पकड़ेंगे ना, जैसे राम कॉट श्याम बाय द ईयर, है ना, कि वो कान के द्वारा नहीं यानी कान पकड़ के उसको पकड़ लिया, है ना, तो वही है स्क्रप उसके गर्दन के द्वारा, आप इट स्नेक इसके गले के ऊपर का, वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, हालांकि ये जो है तो इस पर स्क्रैच करने का मतलब किसी भी जानवर को पकड़े और ना पंजा चलाएगा कि हम इसको नोच ले, उसी तरह इट्स इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, है ना, इसके लंबे से और हुक्ड नुकीले, है ना, क्लॉज यानी पंजों से। पैरा फिफ्थ है, वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स, हमने इसको एक गनी बैग्स में पैक कर दिया, गनी बैग्स मीन सुतली का, कपास का बोरा कह लीजिए, है ना, ये जो बड़े बड़े जो बोरे जिसमें चीनी वगैरह आते हैं, वी हैड ब्रॉट, है ना, जो हम लाए थे। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर, यानी ये बैंगलोर में रहते थे, मैसूर वहाँ से है दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, मैं खुद बैंगलोर से मैंने बीएड किया है, तो वहाँ से मैसूर लोग जाते थे। एक्चुअली मैसूर के बारे में एक बात और बता दूँ मैं, शोले फिल्म तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, शोले फिल्म की शूटिंग मेनली मैसूर में ही हुआ था, वो गब्बर वगैरह और वो जो पानी की टंकी वगैरह है सब वहाँ आज भी है, लोग उसको टूरिस्ट स्पॉट वो बन गया, जितना हिट वो फिल्म हुआ उतना ही वो स्पॉट भी हो गया जहाँ वो शूटिंग हुई थी। तो हम लोग बैंगलोर आ गए, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माय वाइफ, और मैंने अपनी पत्नी को ये प्रेजेंट कर दिया, शी वाज डिलाइटेड, वो बहुत खुश थी। शी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, तो उसने फटाक से ना एक रिबन, कलर रंगीन पट्टा सा कह लीजिए यानी रिबन लगा दिया इसके गले में। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज ए बॉय, और ये बाद में ये पता चला कि ये मतलब बॉय है यानी मेल, ये है क्या बोलते हैं, मेल बियर है ना, शी क्रिसेंड इट ब्रूनो, तो उसने क्रिसेंड मीन्स होता है नामकरण, है ना, नेम गिविंग किया ब्रूनो। यानी अब सवाल है कि देखिए इनका नाम, अब कहानी आप समझ सकते हैं, ये कहानी इंडिया का बेंगलोर मैसूर कर रहा है, बट राइटर का नाम है केनेथ एंडरसन, इनके बारे में
आपको बता दूं ये आप डिटेल, हालांकि अलग चैप्टर में ये तो वैसे ही लंबा हो जाएगा, मतलब ये इंडिया में रहते थे उस समय, जिस समय हमारा इंडिया जो है डिपेंडेंट था, गुलाम था, है ना, अंग्रेजों का उस समय ये, तो इसीलिए नेम भी ब्रूनो जो है, देखिए है इंडिया में लेकिन वो तो क्रिश्चन है, उधर का अंग्रेज लोग है वैसा ही नाम रखेंगे, है ना। ब्रूनो शून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल, और बड़ा जल्दी ये ना सीख गया, आदमी के बच्चे की तरह उसको जो है ना बॉटल से दूध पीना सीख लिया। इट वॉज बट ए स्टेप फर्दर, बल्कि और एक कदम आगे कहिए, स्टेप फर्दर मीन्स, एंड विद इन ए वेरी फ्यू डेज, और समझिए कुछ ही दिनों में ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एनी थिंग एल्स, है ना, कुछ भी खाने लगा थोड़े ही दिनों में और कुछ भी पीने लगा। एंड एवरी थिंग इज राइट वर्ड फॉर, है ना, एंड एवरी थिंग इज इन द राइट वर्ड, यानी सब सही वर्ड में, यानी सही भाषा में कहे, फॉर ही एट, है ना, फॉर मीन्स बिकॉज, मैं अपने वीडियोज में बताता रहता हूँ, बिकॉज ही एट पॉरीज मेड फ्रॉम एनी इन्ग्रीडियंट्स, है ना, वो किसी भी इन्ग्रीडियंट से, किसी भी सामग्री से बना हुआ पॉरीज खा लेता, दलिया खा लेता, वेजिटेबल्स खा लेता, फ्रूट्स खा लेता, नट्स खा लेता, मीट स्पेशली पॉर्क, खास करके मीट में पॉर्क जो है वो स्पेशली खाता था, करी एंड राइस, है ना, करी और राइस रिगार्डलेस ऑफ, है ना, कंडीमेंट्स, है ना, कंडीमेंट्स मीन्स दिया हुआ स्पाइसेस, कोई भी स्पाइसेस हो, तीखा हो ये हो, एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पडिंग, है ना, आइसक्रीम, ईटीसी, इसलिए राइटर ने भी तीन बार ईटीसी, नॉर्मली हम लोग जो है एक बार करते हैं, इसलिए मतलब सब कुछ खा लेता था, जनरली होता है, इवन कि मनुष्य में भी होता है, ह्यूमन बींग में भी होता है, आपको ये पसंद है सब्जियां हैं तो 10 चीज़ों की सब्जियां आपको उसमें से 4-5-6 चीज़ों की पसंद होगी, लेकिन ये ऐसा था, जानवरों में भी वही होता है, लेकिन ये ऐसा जानवर था, इसको एनीथिंग मतलब सब कुछ वो खा लेता था। एज फॉर ड्रिंक, और जहां तक पीने की बात करें, मिल्क पी लेता था, टी पी लेता था, कॉफ़ी ले लेता था, लाइम जूस भी ले लेता था, नींबू पानी भी, एरिएटेड वाटर यानी हवायुक्त पानी, जो जैसे हम लोग का कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है उसमें आपको ये भरा रहता है तो हवा सा है ना, तब ना गैस सा वो होने लगता है, कार्बन उसमें रहता है, बटर मिल्क, बियर, इवन देख लीजिए बियर भी, अल्कोहलिक लिकर भी यानी दारू शराब भी, एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड, कुछ भी लिक्विड हो सब कुछ, इट ऑल वेंट डाउन विथ रेलिश, और सबको जो है वो बड़े रेलिश से, रेलिश मीन्स चाव से खाता। द बियर बिकेम वेरी अटैच टू आर टू एल्सेशन डॉग्स, एल्सेशन, इसको एल्सेशियन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, एल्सेशन, वो हमारे दो जो एल्सेशन डॉग्स थे उनसे बड़ा अटैच्ड हो गया, बड़ा अपनापन सा हो गया, एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आर बंगलो, है ना, और जो भी बच्चे हमारे वो टेनेंट्स के यानी किराएदार के, रेंटर नहीं, टेनेंट्स, है ना, के बच्चे हमारे बंगलो में रहते थे, बंगलो में रहते थे, उन सबसे अपनापन हो गया था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डे, जब वो यंगर मीन छोटे दिनों में, यानी जब वो छोटा था तो उसको फ्री रखा जाता था, एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, कभी प्ले कर रहा है, कभी रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आर बेड, और फिर हमारे बिस्तरों पर जाके सो भी जाता था, ये जब छोटा था, बड़े होने पर नहीं। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ, क्या, आई पुट डाउन पॉइजन, है ना, बेरियम कार्बोनेट, एक दिन ना मैंने एक पॉइजन जिसका नाम बेरियम कार्बोनेट है टू किल द रैट्स, वो डाल दिया था चूहों को मारने के लिए, एंड माइस, है ना, चूहे चूहियों को मारने के लिए, दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, जो कि मेरे लाइब्रेरी में हो गया था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफेंडेड, तो हमेशा की तरह वो यानी लाइब्रेरी में ऑथर के वो अक्सर जाता था, वैसे ही उस दिन भी गया, एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और कुछ पॉइजन खा लिया, पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट, मतलब पैरालिसिस यानी लकवाग्रस्त होना, यानी शरीर का हाथ पांव का काम न करना, इतना हद तक हो गया दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, कि अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हो सकता था, बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, लेकिन किसी तरह अपने आप को ड्रैग घसीटते हुए हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स, यानी पैर पर घसीट कर, पैर चलाने को स्टम्प्स कहते हैं, टू माई वाइफ, वो मेरी पत्नी के पास पहुंचा, हु कॉल्ड मी, जिन्होंने मुझे बुलाया, पत्नी ने बुलाया, आई गेस्ड, मैंने अनुमान कर लिया, गेस कर लिया व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, ऑफ आई रश्ड इन द कार, मैं जल्दी से कार में गया टू द वेट्स रेजिडेंस, है ना, और जो है सो वेट के यानी वेटरिनेरियन डॉग सॉरी डॉक्टर यानी कि जो जानवरों का पशु चिकित्सक है, ए केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, ये सारा चीज़ मतलब घबराए हुए में जल्दी जल्दी में उससे सारा कुछ वो पूछते हैं, किससे पूछते हैं, डॉक्टर से, मतलब बताते हैं, डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। आउट केम हिज मेडिकल बुक, है ना, आउट केम यानी निकाला उसने अपना मेडिकल बुक वो वेट ने, डॉक्टर ने, एंड ए फेवरिश रिफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, और फिर जो है फेवरिश, फेवरिश मीन्स हो गया आपको कि मतलब वो जैसा जिस टाइप का दवाई चाहिए, तो वो इंडेक्स में खोजने लगा, जैसे इंडेक्स मीन्स पेज के शुरुआत में होता है ना कि अच्छा इस बीमारी के लिए, व्हाट पॉइजन डिड यू से, आपने कौन सा पॉइजन कहा था,
बेरियम कार्बोनेट, यस हाँ, बी जैसे डिक्शनरी में हम लोग खोजते हैं वैसे ही है ना, हो सकता है डॉक्टर लोगों के भी बुक में ऐसा होता होगा, बी फिर बी ए बेरियम सॉल्ट्स, नहीं बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स पैरालाइज ट्रीटमेंट इंजेक्शंस ऑफ डैश 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 है ना, जस्ट ए मिनट सर आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन है ना, मतलब ये अब देख लिया कि अच्छा इस केस में क्या देना है। जानवरों का तो कोई अक्सर, अब ये ऐसा पॉइजन तो भाई हमेशा तो मिलता नहीं है कि वो ये रहे, तो अच्छा हाँ मिल गया सर कि मैं अब सिरिंज और मेडिसिन लेके आ रहा हूँ। ए डैश बैक टू द कार, फिर कार में ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग है ना, फ्लाउंडरिंग मीन्स होता है स्ट्रगलिंग टू मूव, अभी भी वो मूव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, हाँ लेकिन वो जल्दी जल्दी तेजी से जो है वीकन हो रहा था यानी कमज़ोर हो रहा था, ठीक है, और सम वोमिटिंग है ना, कुछ वोमिटिंग वगैरह, हैवी ब्रीदिंग है ना, हैवी ब्रीदिंग मतलब तेज की सांस फिर चल रही थी, और उसके बाद विथ हीविंग फ्लैंक्स है ना, हीविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ है ना, वो मतलब चलने में भी उनको परेशानी हो रही थी है ना। इसके बाद है कि नेक्स्ट पैरा होल्ड हिम एवरीबॉडी है ना, कि सब लोग उसको पकड़ो, इन गोज द हाइपोडर्मिक है ना, हाइपरडर्मिक का मीनिंग दिया हुआ है लॉन्ग नीडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन, स्किन के अंदर जो वही जानवरों वाला पकड़िए भाई आप लोग है ना सब लोग, ब्रूनो स्क्विल्स है ना, 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स, एंटीडोट मतलब एंटीबायोटिक जिसको कह लीजिए, विदाउट ए ड्रॉप बींग वेस्टेड, और बिना कोई ड्रॉप एक भी बूंद गिरा नहीं, यानी सीधा सीधा उसको इंजेक्शन लगाया गया, 10 minutes लेटर 10 minutes बाद कंडीशन अनचेंज, कोई फर्क नहीं पड़ा उस इंजेक्शन से, अनदर 10 cc इंजेक्टेड, और 10 ml वो भी जो भी होता होगा डॉक्टर लोग देते हैं, फिर दिया गया 10 minutes लेटर 10 minutes बाद ब्रीदिंग लेस स्ट्रेटनेस है ना, स्ट्रेटनेस का मीनिंग होता है नॉइजी ब्रीदिंग है ना, एज इन स्नोरिंग जैसे खराटा होता है वैसा है ना, थोड़ा कम हुआ, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स ए लिटिल ऑल दो ही कैन नॉट स्टैंड इट, हाँ लेकिन जब दूसरी बार इंजेक्शन पड़ा तो भले ही वो खड़ा तो नहीं हो सकता था है ना, लेकिन कम से कम थोड़े उसके हाथ पांव हिलने लगे। 30 minutes लेटर आधे घंटे बाद ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज ए ग्रेट फीड है ना, और उठता है तो खूब सारा खाता है, ग्रेट फीड बहुत खाना खाता है, ही लुक्स अस एट अस डिसडेनफुली है ना, वो हम लोगों पर थोड़े से निराशापूर्ण वे में देखता है, एज मच एज टू से जितना हो सके वह जैसे लग रहा हो जैसे ये कहते हुए हो, वॉट इज बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि भाई मेरे जैसे बड़े बियर के लिए ये वाला ये बेरियम कार्बोनेट कौन सा जहर है भाई, ऐसा मतलब मानो कह रहा हो हमारी और जब वो देख रहा था, ब्रूनो जी स्टिल एटिंग और अभी भी वो खा रहा था। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil. फिर एक बार की कहानी है कि उसने इंजन ऑयल जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में मोबिल कहते हैं लुब्रिकेंट्स कहते हैं वो रखा हुआ था 1 gallon में है ना, ऑयल विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ है ना स्ट्रीट बेकर है ना, स्ट्रीट बेकर होता है एन ओल्ड अमेरिकन कार है ना, यानी कार के होता है हम लोग के कार से बाइक से ना हम लोग वो लुब्रिकेंट मोबिल जो है वो चेंज करवाते हैं कुछ किलोमीटर चलने, एंड कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इन रोड्स ऑफ टर्माइल्स है ना, एक्चुअली वो इंजन ऑयल का हम नरेटर का कहना है कि हम यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते थे उसका यूज़ एक वेपन हथियार की तरह करते थे टर्माइट्स के विरुद्ध है ना, टर्माइट्स जो लग जाते हैं टर्माइट्स लकड़ी वगैरह को जो ख़राब कर देते हैं दीमक, हाँ तो दीमक खराब न कर देते हैं, तो उन उस जगह पे यदि इंजन ऑयल को आप पटा देंगे तो वो मर जाएगा भाग जाएगा। ही प्रॉम्प्टली ड्रंक द लॉट, लेकिन इसी इंजन ऑयल को ब्रूनो ने जो है बहुत सारा पी लिया था, बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर, हाँ ये अलग बात है इसका इल इफेक्ट इस बार इस पर नहीं हुआ था। नेक्स्ट पैरा है द मंथ्स रोल्ड ऑन, कई महीने बीत गए एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स द साइज ही वॉज वेन ही केम, और अब जिस समय उसको लाया गया था उससे कई गुना बड़े साइज का वो बन गया था, ही हैड इक्वल्ड द एल्सेशंस इन हाइट है ना, अब वो एल्सेशन जो कुत्ता था उसके इतना हाइट का हो गया था, एंड हैड इवन आउटग्रोन देम, बल्कि उससे भी थोड़ा बड़ा हो गया था, बट वह जस्ट एज स्वीट, हाँ लेकिन था अभी भी बहुत प्यारा, जस्ट एज मिस्चीवियस, और जितना प्यारा था उतना ही नटखट भी था, जस्ट एज प्लेफुल और थोड़ा खिलवाड़ी भी था, यानी खेल कूद में भी रहता था, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल है ना, और हम सब का बड़ा फॉन्ड ऑफ था यानी शौकीन था, यानी हम सबको बहुत मानता था प्यार करता था, एबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ,
सबसे बड़ी बात को मेरी पत्नी को बहुत प्यार करता था एंड शी लव्ड हिम टू, और वह भी उसे बहुत प्यार करती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा। अब उसने क्या किया कि उसने ना इसका नाम जो है सो ब्रूनो से बाबा कर दिया। ये हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय है ना, बाबू जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे बाबा, तो उसने ना वो हिंदुस्तानी नेम इसीलिए कहा, इंडियन नेम है ना तो पता ही है ये तो विदेशी थे। एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स टू, हाँ और एक बात और, ये कुछ ट्रिक्स भी कर लेता था क्या, एट द कमांड ऑफ बाबा रेशल और बाबा बॉक्स, बॉक्स बॉक्सिंग से बना है, यदि रेशल रेसलिंग माने भी वही हो गया बॉक्सिंग, ऐसा यदि आप बोलते तो ही विगरसली टैकल्ड एनी वन हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल। कि तो उसको जो है वो उसके साथ रेसलिंग करता यानी उसको एक दो मुक्का दे देता था। गिव हिम ए स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, और एक स्टिक दे दो आप उसे और बोलो कि बाबा गन पकड़ो, तो एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो फिर वो गन की तरह अपने कंधे पे रख के आपके ऊपर पॉइंट कर देता, आपकी ओर निशाना लगा देता। यही नहीं, आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, कि बाबू कहाँ है बाबू है ना, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड है ना, तो वह अचानक से प्रोड्यूस करता बाबू को क्या, एंड क्रेडल्ड है ना अफेक्शनेटली, क्रेडल्ड मीन्स उसको अपने क्रेडल का मीनिंग होता है कि उसको अपने, वास्तव में क्रेडल्ड का मीनिंग तो होता है वो, क्रेडल का मीनिंग होता है पालना झूला है ना, लेकिन यहाँ क्रेडल यानी गोद में झुलाने लगता उसको है ना। अच्छा ये होता किस चीज़ का था बेबी, तो स्टंप ऑफ वुड होता था, लकड़ी का एक टुकड़ा विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, जो अपना उसका स्ट्रॉ का बेड था उसमें कंसील कर देता। देखिए कंसील, कंसील का उल्टा होता है रिवील है ना, कंसील मीन्स किसी चीज़ को छुपा देना और रिवील माने किसी चीज़ को फिर निकाल देना, किसी राज को उगल देना भी कह सकते हैं आप, तो उसको उसमें कंसील करके रखता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, लेकिन किराएदार के बच्चों की वजह से है ना, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको अब ज़्यादा अब थोड़ा बड़ा हो गया तो ज़्यादातर समय उसको चेन में ही रखा जाता था। देन माई सन, फिर मेरा पुत्र एंड आई एडवाइज माई वाइफ, और अपनी पत्नी को एडवाइस किया, एंड फ्रेंड्स भी एडवाइज हर टू, फ्रेंड्स भी एडवाइस किए टू गिव बाबा टू द जू एट माइसूर, कि बाबा को जो है वो माइसूर में जो है वो जू है वहाँ दे दिया जाए, यानी इतना बड़ा अब हम लोगों के बस की बात नहीं, वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, कि घर पे रखने लायक वो नहीं था, इतना बड़ा हो गया था डेंजरस हो सकता था। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस सी एट लास्ट कंसेंटेड, तो कुछ सप्ताह के राय के बाद अंत में उसने कंसेंट दे दिया यानी अपनी हामी भर दी। हेस्टली यानी हेस्टली यानी बड़ी जल्दीबाजी, एंड बिफोर सी कुड चेंज हर माइंड, कि इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज कर लेती, बड़ी जल्दी में हम लोग ए लेटर वाज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, तो जू के क्यूरेटर को जो है वो लेटर लिखा गया। क्यूरेटर कौन होता है, दिया हुआ है मीनिंग आपके बुक में, हियर है पर्सन और इंचार्ज ऑफ द जू, यानी कह लीजिए जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है वैसे जू का वो हेडमास्टर कह लीजिए होता है, तो उसको चिट्ठी लिखा गया। डिड ही वॉन्ट टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, ये लिखा गया कि भाई क्या आपको एक टेम बियर है, ये तो पाला हुआ बियर है, क्या इसको आप अपने जू के लिए रखेंगे। ही रिप्लाइड येस, यानी उधर से लेटर का जवाब मिला, हाँ में मिला। द जू सेंट ए केज फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी, है ना, लॉरी बोलते हैं वो जो हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली की तरह ट्रक का जो पिछला खाली हिस्सा रहता है उसको, है ना, तो वहाँ से एक लॉरी भेजा गया। ए डिस्टेंस ऑफ 87 miles, सोचिए वो लगभग एक माइल में शायद 150-250 kilometers होता है। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, बाबा को पैक किया गया। नेक्स्ट पैरा है, वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सब उसको बहुत मिस कर रहे थे, है ना, बट इन ए सेंस वी वर रिलीव, लेकिन एक तरीके से कहिए तो हम लोग रिलीफ भी महसूस कर रहे थे, क्यों भाई उसको बहुत केयर वगैरह करना ये सब है। माई वाइफ वाज लेकिन इनकॉन्सोलेबल, कॉन्सोल मीन्स होता है सांत्वना देना, यहाँ इनकॉन्सोलेबल है जिसको कॉन्सोल नहीं किया जा सकता। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो जो है रोती थी, और फ्रेटेड, फ्रेटेड का मतलब होता है खींच, चिंता करना, है ना, फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, और शुरू के कुछ दिनों में तो समझ लीजिए कि शी वुड नॉट ईट ए थिंग, कुछ खाती नहीं थी उसके गम में। देन शी रॉट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, फिर वही क्यूरेटर जू के इंचार्ज को कई लेटर्स लिखती, हाउ वाज बाबा, बैक केम द, कि बाबा कैसा, संजोग से रिप्लाई भी आता था वेल बट फ्रेटिंग, है ना, ही रिफ्यूजेस फूड टू, तो बार बार यही वहाँ से जवाब आता कि वो फ्रेटिंग कर रहा है यानी चिंता कर रहा है ना, यानी जैसे नहीं कहते हैं डिप्रेशन में है ना, और खाना को भी वो रिफ्यूज करता है। नेक्स्ट पैरा, आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग माइसूर वर बेग्ड टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, तो पहले तो चिट्ठी से काम चलिया, फिर कोई फ्रेंड वगैरह यदि जाता उधर बेंगलोर साइड में माइसूर साइड में, तो उसको कहा जाता कि भाई बाबा से मिल के आना, देख के आना आप कि है ना वो कैसा है ना।
दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल. हाँ, सब लोग यही रिपोर्ट देते कि हाँ भाई है तो वो अच्छा, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, लेकिन वो बहुत दुबला पतला और सैड दिखता है. ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग. सब लोग कहते कि भाई फ्रेटिंग है, यानी वही चिंता में है, टेंशन में है ना. फॉर 3 मंथ्स आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग माई सोल. 3 महीने तक तो मैं अपनी पत्नी को रिस्ट्रेन मीन्स होता है ना, रोके रखना, नियंत्रित रखना. उसके बाद नहीं मानी. देन शी शेड वन डे, एक दिन का, आई मस्ट सी बाबा, ना मैं तो बाबा को मिलूंगी, है ना. यहाँ सी मीन्स मिलना. आइदर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन. या तो आप मुझे कार से ले चलो या फिर जो है सो मैं ट्रेन या बस से चली जाऊंगी, लेकिन अब जाऊंगी जरूर. सो आई टुक हर बाई कार. भाई जब जाना नहीं मानेगी तो फिर काम में ही ले गए, कार था. फिर है फ्रेंड्स एंड कंजेक्चर्ड, है ना. हैड कंजेक्चर्ड, फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड मीन्स होता है फॉर्म्ड एन ओपिनियन बाई गेसिंग. फ्रेंड्स लोगों ने एक ओपिनियन अपना बताया, राय बताई, दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज, कि वो नहीं पहचानेगा. 3 महीने हो गए भाई. आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, नरेटर ने. बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड फ्रॉम हिज केज, लेकिन उसके यार्ड से यानी बाबा के यार्ड से कुछ दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर ही थी, सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज हर. उसको पहचान गई, वो पहचान गया, रिकॉग्नाइज हर, यानी नरेटर की पत्नी को पहचान गया वो बाबा. ही हाउल्ड, यानी अपना साउंड निकाला विथ हैप्पीनेस, खुशी भरे. शी रैन अप टू हिम, हाँ ये भी जो है उसके पास दौड़ करके गई. पेटेड हिम, है ना, इसका मतलब इसका पीठ थपथपाई, है ना, दुलार किया. पेट मीन्स दुलार करना, यहाँ पेटेड भर्ब के रूप में हो तो. हिम थ्रू द बार्स, है ना, बार्स से ही होकर के ही. बार मीन्स हो गया आपको लोहे का जो छड़िया सरिया होता है, जो उसके पिंजरे को घेरने में जो लोहे का गोल गोल सा लंबा सा रहता है, तो उसी से होकर के. एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो भी ना खुशी के मारे अपने हेड के बल ही, सिर के बल ही खड़ा था. फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, है ना, अगले 3 घंटों तक शी वुड नॉट लीव द केज, दैट केस, है ना, उस केब से मतलब गई थी जू में, लेकिन और कहीं नहीं घूमना. शी गेव हिम टी, लेमनेड, है ना, चाय दिया, लेमनेड वो नींबू वाला, है ना. फिर केक्स, आइसक्रीम्स एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं, मतलब जो जो था, है ना, वो सब कुछ. अगला आप देखेंगे अगले पिक्चर में, वो सब उसके सामने रखा हुआ रहेगा. माई वाइफ क्राइड बिटरली, सॉरी एक लाइन छूट गया, है ना. देन क्लोजिंग टाइम केम, फिर बंद होने का टाइम होता है ना, 5 बजे 6 बजे जो भी हो उसको बंद करने का है. तो क्लोजिंग टाइम आया एंड वी हैड टू लीव, और हमें वहाँ से चलना पड़ा. माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी पत्नी बहुत रोने लगी. बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी रोने लगा. इवन द हार्ड एंड क्यूरेटर एंड कीपर्स, जो वो हार्ड करे दिल वाला वो जो क्यूरेटर था और जो कीपर जो रखने वाले उसकी देखभाल करने वाले लोग थे, वो सब फेल्ट डिप्रेस्ड, वे लोग डिप्रेशन चिंता फील करने लगे. एज फॉर मी, और जहाँ तक मेरी बात आई, आई हैड रिकॉन्साइल्ड माई सेल्फ टू वाट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन. और जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने तो अपने आप को सांत्वना दे दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अब क्या होने वाला. ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड, हाँ कि सर प्लीज़ मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को ले जा सकती हूँ. हेजिटिंगली ही आंसर्ड, तो बड़ी हिचकिचाहट के साथ उसने जवाब दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, ये जू का आप संपत्ति है एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, और अब यह सरकार की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है. कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं सरकारी संपत्ति कैसे दे सकता हूँ. बट इफ माई बॉस, यदि मेरा बॉस यानी द सुपरिटेंडेंट एट बैंगलोर, यानी इस डिपार्टमेंट का जो भी सुपरिटेंडेंट होगा बैंगलोर में, वो तो राजधानी में कैपिटल में ही रहेगा, बैंगलोर कैपिटल है कर्नाटका का, तो यदि वो अग्री हो जाते हैं सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो आपको निश्चित रूप से वापस मिल सकता है. दे आर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर, अब फिर रिटर्न जर्नी बैंगलोर के लिए शुरू हुआ, है ना. मैसूर आए थे इसे जू में देखने, अब फिर वापस बैंगलोर. एंड ए विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो, और फिर वो सुपरिटेंडेंट के बंगलो पे जाना पड़ा. ए टीयरफुल प्लीडिंग, एक बड़ी आंसू भरे प्लीडिंग उससे किया. बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, की सर बाबा और मैं दोनों जो है, यानी पत्नी कह रही है इनकी, हैं एक दूसरे के लिए फ्रेटिंग कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं. विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे वापस दे दोगे. ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, और वो बेचारा दयालु आदमी था. एंड कंसेंटेड, कंसेंट मीन्स वही हामी भर देना, है ना, अपनी सहमति प्रदान कर देना. नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं कि हाँ आप ले जाओ, इतना ही कहा और परमिशन दिया, बट ही रॉट टू द क्यूरेटर टेलिंग, उसने क्यूरेटर को भी लिखा ये कहते हुए. क्या, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर अभी स्क्रीन पे आपके ये जो बुक में आया है पिक्चर, उसमें ब्रूनो केज में बैठा हुआ है, ये जू का सीन है, और ये खाने के सामान नरेटर की वाइफ जो है बहुत सारा यहाँ रखी हुई है. और उसके पिक्चर के नीचे लिखा है फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स शी वुड नॉट लीव दैट केज, है ना, उसके से बाहर नहीं निकला था.
हाँ, तो उसने जो है सुपरिटेंडेंट ने क्यूरेटर को लिखा और कहा टेलिंग हिम टू लेंड अस ए कीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बैंगलोर, यानी हम लोगों को ये ले जाना, उसके लिए पिंजरे की व्यवस्था भी जो है सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि आप ही लोग कर लेना। बैक वी वेंट टू माइसोर अगेन, फिर हम लोग वापस माइसोर गए। आर्म्ड विद द सुपरिंटेंडेंट्स लेटर, यहाँ आर्म्ड हथियार हाथ में था क्या, यानी मतलब उनका ये था कि हम ले आएंगे तो उसके लिए ये एक तरह से हथियार ही है ना, उसका लेटर है ना सुपरिंटेंडेंट का। बाबा वॉज ड्रिवन इन टू ए स्मॉल केज, उसको एक छोटे से पिंजरे में रखा गया एंड होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, कार के ऊपर, होइस्ट मीन्स लहराना होता है, जैसे झंडा लहराते हैं, मतलब ऊपर में है तो लहराता हुआ। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, उसको बड़ी कस के बांधा गया एंड ए स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज एकम्प्लिश्ड, है ना, और फिर एक स्लो ही और बड़ी ध्यान से मतलब चलने वाला यात्रा जो है एकम्प्लिश किया गया, यानी पूरा किया गया। वंस होम, और घर पे ए स्क्वाड, स्क्वाड मीन्स टुकड़ी, जत्था है ना, फ्लाइंग स्क्वाड कैसे होता है वैसे ही, पुलिस में भी स्क्वाड होता है, दल एक ग्रुप है ना, तो स्क्वाड ऑफ कुलीज वर इंगेज फॉर स्पेशल वर्क इन आर कंपाउंड, हमारे कंपाउंड में एक स्पेशल वर्क के लिए हम लोगों ने कुली को हायर किया। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, एक आइलैंड बनाया गया, आइलैंड में इंसान जानते ही होंगे जिसके चारों ओर वाटर हो, यानी बीच में ऐसा कुछ करके, ऐसे भी आप लोग जू वगैरह में जाएंगे तो देखेंगे ये जो ऐसे जो जानवर होते हैं उनके ना आगे गड्ढा सा रहेगा, इवन कि कुछ में तो पानी भी रखा जाएगा कि वो पानी में ना क्रॉस कर पाए, खास करके इसका तो स्पेशल रूप से आप निश्चित रूप से देखेंगे ही देखेंगे। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, है ना, 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा था, एंड वॉज सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट, और एक ड्राई पिट, यहाँ पानी नहीं रखा गया था, कुछ जानवरों में मैंने कहा ना रखा जाता, और मोट, मोट भी वही होता है, डीप वाइड चैनल टू, है ना, प्रोटेक्ट, है ना, चैनल से आप वो लाल किला में भी जाएंगे, रेड फोर्ट में, तो आप देखेंगे उसके चारों ओर ऐसे कोई आ ना जाए जानवर था। 6 फीट वाइड और हाँ 6 फीट चौड़ा भी था एंड 7 फीट डीप, है ना, ये दो दो जो है सुव्यवस्था की गई थी। ए वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फाउल्स, एक लकड़ी का जो बॉक्स था जिसमें कि एक बार एक समय फाउल्स रहते थे, है ना, फाउल्स ए काइंड ऑफ बर्ड है जिसका मीट खाया जाता है, एंड वॉज ब्रॉट एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा, उसको उठा करके बाबा के लिए आइलैंड पे रखा गया, टू स्लीप एट इन एट नाइट, रात में सोने के लिए। ए स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इन साइड टू कीप हिम वार्म, और अंदर में स्ट्रॉ रखा गया था, एंड हिज बेबी, यानी बेबी समझ गए होंगे आप लोग, बेबी मीन्स वही लकड़ी का जो है सो वुड का स्टम्प जो है वो है ना, फिर द नार्ल्ड स्टम्प है ना, और एलोंग विद द गन, हिज गन, उसका गन यानी एक स्टिक, ये सब रखा गया। द पीस ऑफ बम्बू बोथ ऑफ विच ही हैड सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, है ना, वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विथ, है ना, तो ये जितनी चीज़ें उसकी यादगार की चीज़ें थी, ये नरेटर की पत्नी ने जो है उन सबको संभाल के रखा था, वो सब उसको दे दिया गया। सेकेंड लास्ट पैरा है, इन ए फ्यू डेज द कूलीज होस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड, यानी अभी तो साइड में रखा होता, अब उसको उस आइलैंड पे रख दिया, एंड बाबा वॉज रिलीज, अब उसको खोल दिया गया, उसको पिंजरे की जरूरत नहीं थी। ही वॉज डिलाइटेड, वह खुश था, स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, है ना, अपने हिंड लेग्स पे, हिंड लेग्स मीन्स पिछले पाँव या अगले पाँव, पिछले पैर, है ना, फोर लिम्स आगे वाले और हिंड पिछले वाले, है ना, तो यहाँ पर ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, ही पॉइंटेड हिज गन, और अपना गन लेकर के वही पॉइंट करता, किसी निशाना लगता, एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, अपने बच्चे को वही लकड़ी का जो टुकड़ा था उसको खिलाता, है ना। माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन ए चेयर देयर, वहाँ घंटों मेरी बीवी जो है वो बैठ करके अपना टाइम उसके साथ बिताती, वाइल ही सैट ऑन हर लैप, और वो भी उसके गोद में बैठ जाता है। ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 महीने का हो गया अब ना, जब लाया गया, एंड प्रेटी हैवी टू, काफ़ी वजनदार भी हो गया था। द वे माई वाइफ रीच इज द आईलैंड, जिस तरीके से मेरी पत्नी उस आइलैंड पे, यानी जहाँ उसको रखा गया है बाबा को, है ना, वो थोड़ा अजीब है, एंड लिव्स, इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग। आई हैव टाइड ए रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री, है ना, एक रस्सी बांध दिया है विथ ए लूप एट इट्स एंड, लूप मतलब थोड़ा सा गोल बना हुआ भाग, पुटिंग 1 फुट इन द लूप, इस लूप में एक फुट रख करके, है ना, शी किक्स ऑफ विद द अदर टू ब्रिज द 6 फुट गैप, है ना, दैट कंस्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ ए सराउंडिंग पिट, है ना, इस पार से उस पार जाने के लिए वो उसमें रख करके झूला से नहीं जैसे झूल के जाते हैं वैसे ही एक पांव अपना लूप में फंसा करके इस पार से उस पार वो जाती है। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, वापस भी ऐसे ही आती है, बट हु कैन से नाउ दैट ए स्लथ, है ना, बियर, यानी स्लथ पहले भी बताया जो इंडियन सब कंटिनेंट में, ऐसे सही बात है कि स्लथ बियर
आलसी वैसे मीनिंग आप डिक्शनरी में देखेंगे, लेकिन इसको नॉर्मली समझिए जंगली बियर जो हमारे इंडियन सब कंटिनेंट में पाए जाते हैं, है ना। तो स्लत बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, भला कौन कह सकता है कि स्लत बियर को, है ना, अफेक्शन नहीं है, नो मेमोरी की मेमोरी नहीं है, याददाश्त नहीं है, एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक कि उनका अपना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, यानी होता है इनमें, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि चैप्टर भी बड़ा था। आई होप यू गॉट दिस चैप्टर वेरी वेल। Still you have any kind of confusion, do comment in the comment box. Thanks for watching till last. Have a nice day.